Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. इस वीडियो में हम मई 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका प्रॉपर रिव्यू करने वाले हैं कि क्या है हमारे मई 2023 के करंट अफेयर्स जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं मई 2023 की मैराथन करंट अफेयर्स की रिव्यूज की क्लास. ठीक है, आपको याद करने पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, जस्ट ट्वाइस और थ्राइस इस वीडियो को देख लो, आप काफी ज्यादा क्वेश्चन हिट कर पाओगे एग्जाम्स में, क्योंकि जो हमारे मोस्टली एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं. सो एक बार रीड होना सभी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी. चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईपीएल 2023. आपको पता है आईपीएल 2023 हुआ था तो किसने जीता था? सीएसके ने. किसने? सीएसके, दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स ने. और ये सीएसके का कौन से नंबर का टाइटल था? फिफ्थ नंबर का टाइटल था. और सीएसके ने किसको हराया था? गुजरात टाइटन्स को हराया था सीएसके ने. अगर हम आईपीएल की बात करें उसमें ऑरेंज कैप किसको मिली है इस बार? शुभमन गिल को मिली है. और पर्पल कैप की बात करें वो किसको मिली है? मोहम्मद शमी को मिली है. और इस बार का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? यशस्वी जायसवाल को. तो यशस्वी जायसवाल विंस द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. इस बार आईफा अवार्ड्स भी दिए गए हैं. सो आईफा अवार्ड्स का इस बार का कौन सा सीजन था? 23rd सीजन था. सो आईफा अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, जिनको हम आईफा अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, इस बार का सीजन कौन सा था? 23rd सीजन था. अगर मैं इसके पिछले सीजन की बात करूं, आईफा 2022 की बात करूं, तो शेरशाह मूवी ऐसी मूवी थी जिसको सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे. 21 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले थे और 6 कैटेगरीज में जीती थी. इवन द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी शेरशाह को मिला था. ये मैं ईयर 2022 की बात कर रही हूं. पर अगर मैं ईयर इस साल की बात करूं जो कि 23rd एडिशन है, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं. सो सारे आईफा अवार्ड्स की हमें पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? दृश्यम 2 को. सो दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है. बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? आर माधवन को. किसको मिला है? आर माधवन को, उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाभी इफेक्ट के लिए. सो बेस्ट फिल्म है हमारी दृश्यम 2 और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? आर माधवन. और अगर हम बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें आईफा अवार्ड्स 2023 में, सो बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल को किसको मिला है? आलिया भट्ट को, फॉर हर रोल इन द गंगूबाई काठियावाड़ी. और बेस्ट एक्टर मेल का किसको मिला है हमें? तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको मिला है? वो ऋतिक रोशन को मिला है फॉर हिज फिल्म विक्रम वेदा. सो विक्रम वेदा के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है. ठीक है, उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से. इस बार का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था, कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड, वो कौन से नंबर का था? 57 नंबर का था. और किसको मिला है? दामोदर मौजा को. किसको मिला है? दामोदर मौजा. सो ज्ञानपीठ अवार्ड जब 57 नंबर का मिला तो मौजा ही मौजा होगी, ऐसे आप लर्न कर सकते हो. सो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजा को मिला है. और वो किस लैंग्वेज के हैं? कोंकणी. ठीक है, इस बार केन्स फेस्टिवल भी हुआ है. कौन सा फेस्टिवल? केन्स फेस्टिवल 2023. इस बार का कौन सा एडिशन है? 76 एडिशन है. और इसमें पाम और अवार्ड किसको दिया गया है? एंटनी ऑफ अ फॉल. और इन्होंने किस मूवी को डायरेक्ट किया है, मतलब इसके डायरेक्टर कौन है? जस्टिन ट्रेट. जस्टिन ट्रेट की एक मूवी है एंटनी ऑफ अ फॉल, इसको पाम दी और अवार्ड दिया गया है. पुलित्जर प्राइज किस चीज के लिए दिया जाता है? जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है. और 22 कैटेगरीज में दिया जाता है. ठीक है, अब है मैड्रिड ओपन 2023. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैड्रिड ओपन 2023. इसमें मेंस सिंगल्स में किसको प्राइज मिला है? गार्फिया को, सी गार्फिया आप याद कर सकते हो. और वुमेन सिंगल में किसको मिला है? ए सबक लेना को. ठीक है, आप ये दोनों याद कर सकते हो, थोड़े डिफिकल्ट नेम्स हैं बट जब एक या दो बार आप वीडियो देखोगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. मैड्रिड ओपन 2023, मेन सिंगल सी ए जी आप याद कर लो, और वुमेन सिंगल ए सबालेंका. ठीक है, उसके बाद है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड. लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की अगर हम बात करें, इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मेसी को मिला है. और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? शेली को. शेली को क्या मिला है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. और मेसी को मिला है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर. और वर्ल्ड की टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अर्जेंटीना की मेन्स फुटबॉल टीम को. सो मेन्स फुटबॉल टीम कहां की? अर्जेंटीना को. इनको लॉरेंस फुटबॉल लॉरेंस प्राइज मिला है 2023. सो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? मेसी को मिला है. स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड शेली को मिला है. टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को मिला है. ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? कार्लोस अल्काराज.
ठीक है, और कम बैक कम किसका मिला है, क्रिश्चियन को मिला है। सो आपको ये टेबल ऑन टिप्स होना चाहिए क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल किसको मिला है, पाकिस्तान के एक प्लेयर को मिला है, फकर जमन। फकर जमान को मिला है पाकिस्तान के अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। और अगर हम आईसीसी वुमेन प्लेयर की बात करें किसको मिला है, थाईलैंड की एक स्कीपर है चायवाई, आप याद कर लो चायवाई को दिया गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन द अप्रैल मंथ। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इंडेक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। सो उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा, वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 161th पोजीशन है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये किस कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। अगर हम बात करें टॉप थ्री कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। आप याद कर लो एनआईडी में रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, मतलब नंबर वन पे है नॉर्वे, नंबर टू पे है आयरलैंड और नंबर थ्री पे है डेनमार्क। और इंडिया की रैंक क्या है, 161 आउट ऑफ द 180 कंट्रीज। और सबसे बॉटम मोस्ट पे कौन है, नॉर्थ कोरिया। मतलब नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। और ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीडम है प्रेस को, दैट इज नॉर्वे। ठीक है, अब अगर हम हाईएस्ट पेड एथलीट्स की बात करें, सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कौन सा है, रोनाल्डो, सेकंड पे मेसी और थर्ड पे किलियान। सो रोनाल्डो को कितना पे किया जाता है, 136 मिलियन डॉलर्स, मेसी को 130 मिलियन डॉलर्स। तो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कौन सा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आपको पता है हाल ही में आरबीआई ने क्या किया था, 2000 के नोट्स सर्कुलेशन से बंद किए थे। तो कब तक हम एक्सचेंज करवा सकते हैं नोट्स को, 30th सितंबर 2023 तक। ठीक है, अगर आपको एक्सचेंज करवाने हैं या फिर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो उसकी डेट 30th सितंबर है। हाउएवर इस डेट के बाद ये नहीं कि एक्सचेंज में आना बंद हो जाएंगे, आप सिर्फ इनको डिपॉजिट करवा पाओगे, एक्सचेंज नहीं करवा पाओगे, जस्ट डिपॉजिट करवा पाओगे। अब इटालियन ओपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटालियन ओपन अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें, ये कौन जीता है, डैनियल मेदवेदेव। कौन जीता है, डैनियल मेदवेदेव। एंड अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें तो कौन जीता है, एलिना रुबियांका। ठीक है, एलिना रुबियांका वुमेन कैटेगरी में, एंड मेल कैटेगरी में कौन जीता है, डैनियल मेदवेदेव। अगर हम बात करें ऐसी कौन सी स्टेट है विद हाईएस्ट मार्केटेड बोरिंग, तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा मार्केट से बोरो किया है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ आरबीआई, तो तमिलनाडु हैज इमर्ज्ड एज द स्टेट विद हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स। तो सबसे ज्यादा मार्केट से बोरो किसने किया है, तमिलनाडु स्टेट ने किया है। ठीक है, अब इंडिया और रशिया ना क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पेमेंट कार्ड्स को एक्सेप्ट करने की वो बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। मतलब उन्होंने रिसेंटली एग्री करा है कि वो एक दूसरे के पेमेंट कार्ड्स को एक्सेप्ट करेंगे। सो इंडिया का तो आपको पेमेंट कार्ड पता ही है, मोस्टली क्या है, रुपए। तो इसमें एग्जामिनर ये पूछ सकता है रशिया का कौन सा मतलब पेमेंट कार्ड है जो एक्सेप्ट करेगा इंडिया, दैट इज MIR मिर, ताकि हेजल फ्री पेमेंट्स हो सके। स्मार्ट साथी किसकी योजना है, HDFC बैंक की। तो स्मार्ट साथी किसकी योजना है, HDFC बैंक की। अब वीजा ने एक नया फीचर अलाउ करा है जिसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं, जैसे आपके कार्ड के पीछे CVV नंबर लिखा होता है, 3-डिजिट नंबर होता है यूजुअली CVV, वो उसको यूज करे बिना आप पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आरबीआई की एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया को कम से कम 2.5% ऑफ द GDP एनुअली चाहिए होगा 2030 तक फॉर द ग्रीन फाइनेंसिंग। ठीक है, अभी रिसेंटली NBFC लाइसेंस, NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, इसका लाइसेंस RBI ने किसको दिया है, गेट वैंटेज को। ये पूछा जा सकता है वन वर्ड में, गेट वैंटेज हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड एन NBFC लाइसेंस फ्रॉम द RBI। ठीक है, अभी HDFC बैंक का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है विशेष, जिसमें उनका मकसद क्या है कि उन्हें नए कस्टमर्स, 1 लाख नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है टुवर्ड्स देयर बैंक। ठीक है, अब एक और स्टार्ट हुई है एक बैंक क्लिनिक किसने एस्टैब्लिश करी है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने, ताकि वो असिस्ट कर पाए रिटेल बैंक कस्टमर्स को। ठीक है, आरबीआई की एक और योजना है 100-day कैंपेन टू ट्रेस एंड सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि बहुत सारे डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई नॉमिनी वगैरह नहीं होता, जो अनक्लेम्ड होते हैं। सो आरबीआई ने रिसेंटली एक कैंपेन स्टार्ट किया है 100 days का, जिसमें वो ट्रेस भी करेंगे और सेटल भी करेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। 100-day कैंपेन है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। आरबीआई ने क्या करा है कि अडॉप्ट कर लिया है अल्टरनेट रेफरेंस रेट, जो कि प्राइमरली बेस्ड है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पे। सो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि SOFR की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, और उनका जो रिलायंस है वो कम हो गया है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पे। सो
LIBOR और SOFR के आपको फुल फॉर्म समझ के जानी है ताकि आप हिट कर पाओ आंसर को. सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एंड लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. ठीक है, आरबीआई ने कितने पैसों का अप्रूवल दिया है कि जो सरप्लस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. सो उन्होंने अप्रूवल दिया है कि वो ट्रांसफर करेगी 87416 करोड़ रुपीस. कितना? 87416 करोड़ रुपीस. ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आईपीओ IREDA दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का आईपीओ आने वाला है. सो इसके लिए कौन कौन से बैंक्स अपॉइंट हुए हैं? IDBI कैपिटल बैंक, BOB बैंक एंड SBI कैपिटल. सो तीन बैंक्स अपॉइंट हुए हैं, तीन कैपिटल कैपिटल्स को अपॉइंट किया गया है, BOB, SBI एंड IDBI. ठीक है, अभी अमेलगमेशन को अप्रूवल दिया है आरबीआई ने. सो ये अमेलगमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स के लिए. सो मराठा सहकारी बैंक का अमेलगमेशन कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो रहा है जो कि एक वॉलंटरी स्कीम है अमेलगमेशन की. आरबीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया है. कौन सा? मराठा सहकारी बैंक विद द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. उसके बाद आरबीआई ने क्या कहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2024, इसका जो क्वार्टर वन है इसमें ग्रोथ रेट क्या उन्होंने कहा है, 7.6%. GDP ग्रोथ रेट कितना कहा है आरबीआई ने? 7.6%. अगर आपसे पूछे सारथी किसने लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक ने. सो एक्सिस बैंक ने क्या लॉन्च किया है? सारथी. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा बैंक है जो बेस्ट बैंक बन गया है इन मैनेजिंग बैड लोन्स. बैड लोन्स मतलब जिनका जो नेट परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब NPA है, वो लो है. लो भी क्या है, रेशियो कितनी है, 0.25%. सो द आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेस्ट बैंक है इन मैनेजिंग द बैड लोन्स. लो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स है, इनके NPAs काफी लो है और इसकी रेशियो क्या है, 0.25%. येस बैंक का एक नया लोगो आपने शायद देख ही लिया होगा और उनकी एक नई कैंपेन भी आई है, लाइफ को बनाओ रिच. सो लाइफ को बनाओ रिच किसकी कैंपेन है? येस बैंक की कैंपेन है. PFRDA की फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. आपको पता है कि आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि आधार को हमें पैन कार्ड के साथ लिंक करना है. सो उसकी डेडलाइन कब रखी गई थी? 30th June 2023. सो आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करवाने की डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी और एक्सटेंड होकर क्या हो गई थी? 30th June 2023. CPI is the most important question which could be asked in exams. और अप्रैल का तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अप्रैल में हमारी CPI that is retail inflation. रिटेल इन्फ्लेशन आ जाए या फिर CPI आ जाए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो CPI या रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही है? 4.7% इन द अप्रैल मंथ. ठीक है, एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जिसमें जिसने क्या प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की कैलेंडर ईयर 2024 में ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट की है? 6.7%. आजकल आपने देखा होगा कि ग्रोवर साहब बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है. सो उनकी ऑब्वियसली आपने पता है कि कंपनी है भारत पे. ठीक है, भारत पे कंपनी ने अपने आप को उनका जो एक एलिमेंट है दैट इज पे बैक इंडिया, उसको रीब्रांड कर दिया है और रीब्रांड करके इसको क्या नाम दे दिया है? जीलियन. सो जीलियन किसका नाम बन गया, किसका नाम चेंज होकर जीलियन बना है? पे बैक इंडिया का. या फिर ये पूछ सकते हैं पे बैक का नया नाम, पे बैक को रीनेम करके क्या कर दिया गया है? जीलियन. ठीक है, एक ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट गेमिंग फर्म है, उसका नाम क्या है? एक्टिविजन ब्लिजार्ड. इसको किसने ग्रीन लाइट दी है कि इसको एक्वायर कर सकता है? माइक्रोसॉफ्ट इसको एक्वायर करेगा, एक्टिविजन ब्लिजार्ड को. ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गेमिंग फर्म है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी फर्स्ट डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसने 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक करे हैं विद द UPI. UPI की फुल फॉर्म सबको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. तो फोन पे है ऐसा. फोन पे हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल पेमेंट ऐप टू एनेबल द लिंकेज ऑफ 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू द UPI इंटरफेस. ठीक है, सबसे पहले ना हमारा जो जापान होता था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होता था कार्स का. सो अब इसको बीट करके कौन बन गया है? चाइना. सो चाइना बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स, सरपासिंग जापान. अगर हम बात करें इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की, जो कि एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन लैब है जहां पे डायमंड्स को लैब में ही ग्रो किया जाता है और सेकेंड लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन प्लेयर है जो नेचुरल डायमंड्स को सर्टिफाई करती है, उसको एक प्रॉपरली फुली एक्वायर कर रही है प्राइवेट फर्म और उसका नाम क्या है? ब्लैकस्टोन. सो इसमें ये पूछ सकते हैं कि इसको एक्वायर किसने किया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ब्लैकस्टोन ने इसको एक्वायर किया. आपको पता है ChatGPT आज बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड्स में है. सो रशिया का ऐसा कौन सा है जो कम्पीट कर रहा है ChatGPT के साथ? दैट इज GigaChat. सो GigaChat कौन से कंट्री का है? रशिया का है. ये क्वेश्चन आ सकता है.
नेक्स्ट है, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम एवर 75 इयर्स में पाकिस्तान ने जो उनका कोटा था, हज का कोटा, उसको सरेंडर कर दिया है। सो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, सो उन्होंने कोटा सरेंडर करके किसको दिया है? सऊदी अरेबिया को। सो फर्स्ट टाइम इन द 75 इयर्स पाकिस्तान हैज मेड द डिसीजन टू सरेंडर द हज कोटा टू द सऊदी अरेबिया। एक एक्सरसाइज है टाइगर शार्क 40, वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हो रही है? बांग्लादेश एंड यूएसए। फर्स्ट कंट्री ऐसा आयरलैंड बन गया है जिन्होंने बोला है कि वो मैंडेटरी हेल्थ एडवाइजरीज लिखेंगे ऑन द अल्कोहल प्रोडक्ट्स। सो आयरलैंड इज ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एनफोर्स मैंडेटरी हेल्थ एडवाइजरीज ऑन द अल्कोहल प्रोडक्ट्स। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पर किसने स्वान किया है? भोला ने, भोला तिनुबू। आप याद कर लो कि जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा भोला है, सो भोला तिनुबू ने प्रेसिडेंट ऑफ द नाइजीरिया स्वान अभी रिसेंटली किया है। कंट्री का मतलब हमारे इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज, उसका नाम क्या है? अनिच खांद ब्रिज। कौन सा ब्रिज? अंजी खांद ब्रिज। और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में है, विच इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज उधमपुर श्रीनगर बालमपुर रेल लिंक। सो हमारी कंट्री का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज का नाम क्या है? अंजी खांद ब्रिज। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन किया है रिसेंटली। सो क्वेश्चन ये बन सकता है, इंडिया का फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने एक रिसेंटली एक मतलब पहल आई है सीपेस। तो एक तो आपको सीपेस का मतलब फुल फॉर्म पता होना चाहिए और ये किस चीज के लिए प्रोसेस है। सीपेस एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है ताकि अगर हमने किसी भी कंपनी को MCA के रजिस्टर से रिमूव करना है वो हम इजीली कर पा पाए। सो मेन इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? सीपेस की फुल फॉर्म आ सकती है। सीपेस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, कि अगर आपको कॉर्पोरेट से एग्जिट करना है, आपको जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो पाए। सो सीपीएस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जो कि अपने SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मैयर करने के टूवर्ड्स स्टेप्स ले रहा है, तो भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की हैज बिकम द फर्स्ट सिटी। सो फर्स्ट सिटी इन इंडिया कौन सा है जो अपनी SDG गोल्स को मैयर करने के लिए, प्रोग्रेस को मैयर करने के लिए स्टेप्स ले रहा है? दैट इज भोपाल। एक ना अकेडमी का स्टोन रखा गया है अभी रिसेंटली अमित शाह के द्वारा, उस अकेडमी का नाम क्या है? नेशनल अकेडमी फॉर कोस्टल पॉलिसिंग। सो कोस्टल पॉलिसिंग की अकेडमी कहाँ पे है? एग्जामिनर पूछ सकता है, तो द्वारका गुजरात में है। आपको पता है कोस्टल एरिया वन ऑफ द सबसे ज्यादा वहां लगता है गुजरात में लगता है। सो वहां के द्वारका में नेशनल अकेडमी फॉर कोस्टल पॉलिसिंग बनाई जा रही है, ठीक है। एक स्कीम आई है इंश्योरेंस स्कीम फॉर द टॉडी टैपर्स। अगर आपसे पूछे गीता कर्मिकुला भीमा कहाँ की योजना है? तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। अभी रिसेंटली ना उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया है कि वो एक थीम पार्क रामालैंड के नाम पे बनाएंगे, विच वुड बॉर्डर लाइक डिज्नीलैंड, ताकि वहां पे जो लॉर्ड राम है उनकी स्टोरीज को नरेट किया जा सके। सो अयोध्या में एक पार्क बनाया जाएगा, थीम पार्क कॉल्ड रामालैंड। ऐसा कौन सा स्टेट है सदर्न इंडिया में जिसने अपने आप को फर्स्ट टोटल ई गवर्न्ड स्टेट घोषित किया है? दैट इज केरला। सो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, बट इज द फर्स्ट टोटल ई गवर्न्ड स्टेट दैट इज केरला। आपको पता है कि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है केरला में और वहां पे ई गवर्नेंस बहुत ज्यादा चलती है। सो फर्स्ट टोटली ई गवर्न्ड स्टेट कौन बन गया है? केरला बन गया है। एक स्कीम आई है दैट इज शासन आपलेदारी, जिसका मतलब है गवर्नमेंट एट योर डोरस्टेप। ये कहाँ की योजना है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। और CM कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे साहब। सो एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के CM है और उनकी एक योजना है शासन आपलेदारी, दैट मीन्स गवर्नमेंट एट योर डोरस्टेप। उत्तर प्रदेश ऐसा एक स्टेट बन गया है जहां पे सेकेंड नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स हैं। GI टैग्स मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स गुड्स हैं, तो उनकी सेकेंड पोजिशन है उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की है मेरी लाइफ मेरे स्वच्छ शहर। हरदीप सिंह पुरी जी ने ये कैंपेन लॉन्च करी है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। अभी इजराइल ने कौन सी IIT के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर द सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, की वाटर टेक्नोलॉजी का सेंटर बनाया जा रहा है। सो IIT मद्रास के साथ किसने टाइप किया? इजराइल। सो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है IIT मद्रास ने किस कंट्री के साथ टाइप किया है फॉर द सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, तो आंसर इज इजराइल। या फिर ये बन सकता है इजराइल ने किस IIT के साथ टाइप किया है फॉर द सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, सो आंसर इज IIT मद्रास। अब रिसेंटली ना एक कोलैबोरेशन हुआ है, किस और किसके बीच हुआ है? मेक माई ट्रिप के बीच में और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। क्या हुआ है?
उन्होंने असिस्टेंस ली है मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट से कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर वॉइस असिस्टेड बुकिंग फैसिलिटी देंगे इन द इंडियन लैंग्वेजेस. सो मेक माई ट्रिप में अभी आपको इंडियन लैंग्वेजेस में वॉइस असिस्टेंस मिल जाएगी. सो उसके लिए मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है. अब कुछ अपॉइंटमेंट्स ना नेशनल और इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है. सो जो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं आपके लिए. सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है. डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? प्रवीण सूद. और सीवीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमारे कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव. सो श्रीवास्तव कुमार हमारे सीवीसी हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई सूद साहब है दैट इज प्रवीण सूद. ठीक है. यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी जी. ब्रांड एम्बेसडर फॉर द त्रिपुरा टूरिज्म. त्रिपुरा टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सौरभ गांगुली को बनाया गया. प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन. बास्केटबॉल फेडरेशन का भी हम जानेंगे, स्विमिंग फेडरेशन का भी जानेंगे. इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का कौन है? गोविंद राज. गोविंद राज बास्केटबॉल फेडरेशन की है. और स्विमिंग के कौन है? आर एन जया प्रकाश. आर एन जया प्रकाश स्विमिंग की है. लार्सन एंड टुब्रो के सीएमडी दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया? सुब्रमण्यम साहब को. ठीक है. गुच्ची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? आलिया भट्ट को. और प्यूमा इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? कार्तिक बाल गोपालन को. CEO of Twitter, आपको पता है कि जब से ट्विटर को एलन मस्क ने एक्वायर किया तब से बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है. और अभी रिसेंटली जो ट्विटर है उसकी CEO चेंज हुई है और उनका नाम क्या है? लिंडा याकिरियानो. ठीक है. आप याद कर लो कि लिंडा कौन है? ट्विटर की CEO है. ठीक है. ड्यूराफ्लेक्स की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? विराट कोहली को. आपको पता है CII के प्रेसिडेंट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है. और अब इस बार के प्रेसिडेंट कौन है? आर दिनेश. सो आर दिनेश कौन है? CII के प्रेसिडेंट. वर्ल्ड बैंक का 14th प्रेसिडेंट. कौन से नंबर का? नंबर भी इंपॉर्टेंट है और नेम भी इंपॉर्टेंट है. अजय पंगा जी हैं वर्ल्ड बैंक के 14th नंबर के प्रेसिडेंट. वोडाफोन ग्रुप भी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है. तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? मार्गरेटा. सो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मार्गरेटा इज अ काइंड ऑफ पिज्जा ऑल्सो ना. सो आप ऐसे याद कर लो कि मार्गरेटा कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव है वोडाफोन ग्रुप की. ठीक है. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी. एक बार आप दोबारा इनको रीड कर लेना क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टर ऑफ सीबीआई दैट इज प्रवीण सूद एंड हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब. ठीक है. आपको इसकी जो क्या कहते हैं PDF है वो भी चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है. अब क्या है, अगर आपसे पूछे मोस्ट इनोवेटिव स्टेट किसको डिक्लेयर किया गया है? कर्नाटका को, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड तमिलनाडु. अब कुछ ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मैंने यहाँ पे 3 मेंशन करे हैं. देखो, एक तो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, एक है मियामी ग्रैंड प्रिक्स और एक है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स. जो ये तीनों है, ये तीनों रेडबुल के ड्राइवर्स ने जीती है. सबसे इंपॉर्टेंट अजरबैजान, मियामी एंड मोनाको. जो अजरबैजान ग्रैंड प्री है ये किसने जीती है? सेरिगो रीज. ठीक है. और उसके बाद जो मियामी ग्रैंड प्री है या मोनाको ग्रैंड प्री है ये मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है. सो मैक्स वेरस्टैपेन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्री को भी जीता है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है. अभी रिसेंटली इंडिया ने टाइटल जीता है कावा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप का. और ये जो ये वाला जो कप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? काठमांडू में ऑर्गेनाइज हुआ था. सो इंडिया हैज वॉन NSCCAVA वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप जो कि काठमांडू में हुआ था. और इंडिया किसको हरा के जीता है? कजाकिस्तान को हरा के इंडिया ने ये टाइटल जीता है. फर्स्ट इंडियन मेन्स डबल पेयर टू विन अ गोल्ड मेडल एट बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप. बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की मेंस डबल प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है. सो कौन कौन थे? रेड्डी एंड शेट्टी. आप याद कर लो, रेड्डी एंड शेट्टी थे जिन्होंने मिलकर फर्स्ट मेंस डबल प्लेयर जीता है में गोल्ड मेडल जीता एट द बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप. ग्लोबल चेस लीग एक ज्वाइंट वेंचर है. कौन कौन कर रहे हैं? फाइड और टेक महिंद्रा. और ये दुबई में होगा. ठीक है. इसका इनॉग्रल, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार हमें बताना चाहिए. अभी रिसेंटली ना मैरिलेबन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मार्क निकोलस. सो कौन बना है? मैरिलेबन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट मार्क निकोलस. ठीक है. उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रदीप कुमार बैनर्जी को रिकॉग्नाइज किया है AIFF ग्रास रूट डे. सो AIFF ग्रास रूट डे कब मनाया जाएगा? 23 जून को. और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? प्रदीप कुमार बैनर्जी की बर्थ एनिवर्सरी पर. अब नेक्स्ट, आपको पता है कि बहुत बार हमारे से क्या पूछे जाते हैं? ग्रैंड मास्टर्स पूछे जाते हैं. सो अभी रिसेंटली 82nd ग्रैंड मास्टर कौन है? वी प्रणिनीत. ये कहाँ से है? तेलंगाना से. और तेलंगाना का ये 6th बन गया है कि जो कि ग्रैंड मास्टर बने हो. सो अभी रिसेंटली 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? वी प्रणीत, जो कि तेलंगाना से है.
अभी एक समिट है दैट इज मशीन कैन सी 2023, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है और किस गवर्नमेंट ने की है, ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करी जा रही है जो कि दुबई में है और यूएई की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। आपको अगर पता लगे कि आशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी 42nd समिट हो रही है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है और इस बार की थीम क्या है, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। और ये तो आशियान समिट की हम बात करें जो कि इंडोनेशिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर आशियान का जो टूरिज्म फोरम है किसने ऑर्गेनाइज किया था, लाओस ने। तो जनवरी 2024 का जो लाओस ऑर्गेनाइज करेगा आशियन टूरिज्म फोरम, ठीक है। Y20 दैट इज यूथ 20 इवेंट कौन होस्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है जो कि मई में सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये कब मनाया जाता है, मई थर्ड को यूनेस्को मार्क्स द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो प्राइज है वो 3 जर्नलिस्ट को दिया गया है जो कि ईरान से हैं। तो ईरान के 3 फीमेल जर्नलिस्ट को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। विनर्स के आप जो नाम है एक बार रीड आउट कर लो ताकि एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन आ जाए आप इजिली हिट करके आ सको। हमेदी मोहम्मदी तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, निलोफर हमेदी, इलाही मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। तो एक बार आप इनके नाम अपने रीड किए होंगे तो एग्जाम में आपको मार्क करने का इजी होगा। आपको पता है कि इस बार की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, इंडिया के पास। सो ये थीम सबको बताना चाहिए विच इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। सो इस बार G20 की मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है और इस बार की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम विच मीन्स वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। मैन ऑफ द सेंचुरी का जो टाइटल है दैट इज शताब्दी पुरुष जो प्राइस है वो किसको दिया गया है, पंडित रामकिशन। सो पंडित रामकिशन को रिसेंटली अवार्ड किया गया है मैन ऑफ द सेंचुरी दैट इज शताब्दी पुरुष। पांडी अमोर अवार्ड केन्स फिल्म फेस्टिवल में किसको दिया गया है, माइकल डोगलास को। और हमारी ना रिसेंटली जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अगर आपसे पूछा जाए हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो हमारी जो प्रेसिडेंट होती हैं दैट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ हमारी आर्म फोर्सेस। उन्होंने कितने कीर्ति चक्र दिए हैं और कितने शौर्य चक्र दिए हैं, 8 कीर्ति चक्र दिए हैं इस बार और 29 शौर्य चक्र दिए हैं। एक हमारा एक प्राइज होता है लिप्सिंग बुक प्राइज, लेप्जिंग बुक प्राइज किसको दिया गया है, मारिया को। किसको दिया गया है, मारिया को। उनकी नॉवल का नाम क्या है, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। सो इसमें ना 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। लेप्जिंग बुक प्राइज एक तो पूछ सकते हैं किसको मिला है, मारिया को मिला है। मारिया कहाँ की राइटर है, रशिया की राइटर है। अगर आपसे पूछा जाए इन मेमोरी ऑफ मेमोरी किसने लिखी है, मारिया ने लिखी है, मारिया सेपनोवा ने। और ये भी पूछ सकते हैं कि लेप्जिंग बुक प्राइज किस बुक के लिए, किस नॉवल के लिए दिया गया है, तो आप आंसर बोलोगे इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। सो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इस बार का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 किसको मिला है, कोचीपुर को मिला है। और अगर आपसे पूछे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जयंत बी नालिकर को दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हमेशा आपसे पूछा जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया है, आप याद कर लो जीजी को दिया गया है। सो दिया गया है जीजी को इस बार मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और आपसे ही पूछ सकते हैं टाइम शेल्टर किसकी नॉवल है, तो आप याद रख लो जीजी की बुक है। और ये इस बुक को, टाइम शेल्टर बुक को किसने ट्रांसलेट किया था, एंजेला रॉडेल ने किया था। और इस बार का जो बुकर प्राइज है वो और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम बुल्गेरियन नॉवल को ये प्राइज दिया गया है विच इज ट्रांसलेटेड बाय एंजेला रॉडेल। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है, जॉर्जी गॉस्पोड डेविस को दिया गया है। और उनकी नॉवल का नाम क्या है, टाइम शेल्टर। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, एंजेला रॉडेल ने इसको ट्रांसलेट किया है। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, हमारा जो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था ऑफ मॉन्ट्रियल 2023, इसमें बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड गौरी को दिया गया है। इसको डायरेक्ट किसने किया था, कविता लंकेश ने किया था, ठीक है। उसके बाद ना एक ना हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो यूएन पीस कीपर्स को दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है एक डग मेडल है। ये ना जब लोगों की डेथ हो जाती है पोस्ट ह्यूमसली दिया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ पीस कीपिंग, ताकि जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है हम उसको ट्रिब्यूट दे सके। तो जो इस बार का ये वाला प्राइज है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है यूएस पीस कीपर्स का, ये किसने कलेक्ट किया था, क्योंकि पोस्ट ह्यूमसली दिया जाता है। सो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में दैट इज रुचिरा कमरोल, इन्होंने कलेक्ट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ हेड कॉन्स्टेबल्स शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम बिश्नोई, ठीक है। तो किसने कलेक्ट किया था, रुचिरा कंबोज ने। और किस बिहाफ पे उन्होंने कलेक्ट किया था, हेड कॉन्स्टेबल्स शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम बिश्नोई, ठीक है।
एक ना फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. कौन सा? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. ठीक है, आप ये पढ़ लो. शिवलेयर दी डाल लीजन दी ऑनर अवार्ड, ये किसको मिला है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर. तो एन चंद्रशेखर को इस बार फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है. और ये किस ग्रुप के चेयरमैन है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन है. और अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ पीएनजी दैट इज पपुआ गिनिया एंड फिजी का किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिले हैं पपुआ न्यू गिनिया का और फिजी का. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. मई 1 को मनाया जाता है लेबर डे, मई 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, मई 8 को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे. ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट. इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? मई 12 को. नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? मई 16 को. नेशनल इंडियन कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? मई 24 को. और इस बार की थीम क्या थी? फॉरगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर. एंड वर्ल्ड नो टबैको डे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका थीम क्या था? वी नीड फूड नॉट टबैको. सो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो तीन डेज है मैंने आपको मार्क करके दिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, दैट इज मई 3. मई 8 को थैलेसीमिया डे एंड रेड क्रॉस डे. मई 12 को नर्सेज डे. मई 16 को नेशनल डेंगू डे. 24 को नेशनल कॉमनवेल्थ डे एंड 31 को नो टोबैको डे. वॉच दिस वीडियो ट्वाइस. और अगर आपको लगे कि आप 2x पे भी देख लेना, 15 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी, ताकि आप एग्जाम से पहले जल्दी से क्विक रिव्यू कर पाओ मई के करंट अफेयर्स का. अभी रिसेंटली ना एक इंडिया की लैंडिंग शिप टैंक, जो लार्ज वाली है, ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक डी कमीशन करी गई है. उसका नाम क्या है? INS मगर. और कहाँ से डी कमीशन करी गई है? नेवल बेस कोची से. ठीक है, और अभी एक एक्सरसाइज है, दैट इज इंडो थाई कॉर्पैट. किन दोनों कंट्रीज के बीच में होती है? इंडियन नेवी और थाई नेवी के बीच में. और इसका कौन सा एडिशन था? 35th एडिशन था. अभी एक साइक्लोन मोका का नाम, मतलब इंडिया ने ना एक मिशन स्टार्ट किया है कि जो साइक्लोन मोका में अफेक्ट हुए थे म्यांमार, उनको हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है. तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा. सो ऑपरेशन करुणा किसके लिए इनिशिएटिव है? जो लोग म्यांमार में अफेक्ट हुए थे बाय द साइक्लोन मोका. ठीक है, उसके बाद एक एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 2023. किन दोनों कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में. और कौन कौन से ने इसमें पार्ट लिया था? INS तरकश ने एंड INS सुभद्रा ने. ठीक है, एक ना प्रोजेक्ट है लॉन्च हुआ है जुगलबंदी. किसका प्रोजेक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है. ये ना अभी 2-3 बुक्स मैं आपको बता रही हूँ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. तो ये बुक्स ध्यान से सुन लेना. आपको पता है अमिताभ कांत क्या है? अमिताभ कांत रिसेंटली 2022 तक हमारे नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के CEO रह चुके हैं. उनकी एक बुक है. सो ये बुक किसकी है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज. किसकी बुक है? जो हमारे एक्स CEO हैं नीति आयोग के, दैट इज अमिताभ कांत. उनकी बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज. और कौन सी पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है? रूपा पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है. जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके ऊपर भी एक बुक आई है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेनी हिल्स. सो ये बुक की ऑथर का नाम क्या है? कस्तूरी रे. ये बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेनी हिल्स. और इसके ऑथर कौन है? कस्तूरी रे. रस्किन बॉन्ड्स की बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उनकी रिसेंट बुक कौन सी है? द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ. तो ये बुक पूछ सकते हैं, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ. किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की है. और पब्लिश किसने की है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है. अभी रिसेंटली ना उत्तराखंड की एक लोकेशन है तुंगनाथ, इसको रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है. सो ये आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में लोकेटेड है. जो साइक्लोन मोका है जो कि फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ये नाम किसने सजेस्ट किया था? तो यमन. आपको पता है कि साइक्लोन्स के जो नाम देते हैं उन कंट्रीज के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो हमें पता होना चाहिए यमन ने इसको नाम दिया था. अभी लेटेस्ट टाइम मैगजीन पे कवर पे कौन फीचर किया गया है? दीपिका पादुकोण. आई होप आपको मई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे. और आपको अभी जल्दी ही चैनल पे अप्रैल, मई और साथ में मार्च, इन तीनों मंथ्स के RBI ग्रेड बी के लिए जो मैराथन क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी अपडेटेड प्लेलिस्ट के साथ. और जैसे जैसे हम सारे मंथ्स कवर करेंगे आपको अपडेटेड सबका मैराथन मिल जाएगा.
जो भी आपके सजेशन है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको इसकी प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून्ड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब